आ जाएगा यहाँ, ठीक है, हिंदी गद्य का साहित्य का इतिहास, ठीक है। तो जो बहुपद विकल्पीय जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो होते हैं, आज मैं आपको ओरल में वही कराती हूँ, ठीक। तो देखिएगा, कहते हैं कि भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार का नाम लिखिएगा। लिखा हुआ है मुंशी सदा सुखलाल, राम प्रसाद निरंजनी, सदर मिश, मुंशी इंशाला खान। तो भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार हैं राम प्रसाद निरंजनी। क्या? भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार हैं राम प्रसाद निरंजनी, ठीक। अच्छा, कहीं देखिए लिखा है अष्टयाम के रचयिता हैं गोकुलनाथ, वल्लभाचार्य, तुलसीदास या नाभादास। तो लिखते हैं अष्टयाम के रचयिता कौन है? नाभादास। अष्टयाम के रचयिता हैं नाभादास, ठीक है। पथ के साथी की रचना विधा है। पथ के साथी किसने लिखा है? पथ के साथी लिखा है महादेवी वर्मा जी, महादेवी वर्मा ने लिखा है पथ के साथी। तो पथ के साथी की रचना विधा है कहानी, जीवनी, संस्मरण या आत्मकथा। क्या है? पथ के साथी की रचना विधा है संस्मरण, ठीक। रिपोर्टार्ड लिखने का प्रचलन किस युग में हुआ? द्विवेदी युग में, छायावादोत्तर युग में, छायावादी युग में या भारतेंदु युग में? रिपोर्टार्ड लिखने का प्रचलन किस युग में हुआ? लिखते हैं छायावादोत्तर युग में। किसमें हुआ? छायावादोत्तर युग में हुआ। छायावादी युग के लेखक नहीं हैं कौन? छायावादी युग के लेखक देखिए, वियोगी हरि, भगवती चरण वर्मा, डॉक्टर रघुवीर सिंह और नंदुलारी वाजपेयी। तो इसमें देखिएगा, वियोगी हरि, नंदुलारी वाजपेयी और डॉक्टर रघुवीर सिंह, ये तीनों छायावादी युग के लेखक हैं। ये छायावादी युग के लेखक हैं। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि छायावादी युग के लेखक कौन नहीं है? भगवती चरण वर्मा है, छायावादी युग के लेखक नहीं है, ठीक। साहित्यालोचन गद्य की विधा है। नाटक, आलोचना, उपन्यास या निबंध, क्या लिखेंगे? आलोचना, ठीक। ठीक, देखिए अशोक का फूल निबंध है। कैसा निबंध है? मनोवैज्ञानिक। अशोक का फूल लिखा है ना, अशोक का फूल, तो अशोक का फूल निबंध कैसा निबंध, मतलब निबंध कौन सी विधा है? निबंध विधा है। तो निबंध विधा में कौन सा निबंध है? ये मनोवैज्ञानिक, बुद्धि प्रधान, लालित्य निबंध, ललित निबंध और ऐतिहासिक निबंध। तो अशोक का फूल जो है कैसा निबंध है? ललित निबंध, क्योंकि इसमें अशोक के फूल का वर्णन किया गया है, अशोक के फूल का निबंध वर्णन किया गया है। इसलिए हरखू पात्र किस कहानी से संबंधित है? हरखू पात्र आपको मालूम होगा किससे संबंधित है, फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा आप लोगों ने। हरखू पात्र किस कहानी से संबंधित है? हरखू पात्र बलिदान कहानी से संबंधित है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए लिखा है बलिदान, प्रयाश्चित, आकाशदीप और समय, है ना। तो प्रयाश्चित कहानी कौन सी है? कौन सी कहानी है प्रयाश्चित, जो बैल जो वो मार देती है, क्या नाम है, बिल्ली वाली जो कहानी है ना, वो है प्रयाश्चित। आकाशदीप कहानी है, समय बाबूजी की कहानी है। तो जो बलिदान जो कहानी है, तो वही कहते हैं हरखू पात्र किस कहानी से संबंधित है? किस कहानी से संबंधित है? बलिदान कहानी से संबंधित है। हरखू पात्र बलिदान कहानी से संबंधित है। देखिए प्रेम सागर के रचयिता हैं, सदर मिश, सूरदास, लल्लूलाल और राम प्रसाद निरंजनी। तो प्रेम लिखेंगे प्रेम सागर के रचयिता हैं लल्लूलाल, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नहीं है? बाणभट्ट की आत्मकथा, शेखर एक जीवनी, मैला आचार, संस्कृत के चार अध्याय। तो देखिए बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास है, शेखर एक जीवनी उपन्यास है,
मैला आंचल, परीक्षानाथ रेणु का है मैला आंचल, ये भी एक उपन्यास है। और संस्कृति के जो चार अध्याय हैं, लिखा है संस्कृति के चार अध्याय, संस्कृति के जो चार अध्याय हैं ये उपन्यास नहीं है। ठीक है, आर्यों का आदिदेश के लेखक कौन है? आर्यों का आदिदेश लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गणेश शंकर विद्यार्थी, संपूर्णानंद और जैनेन्द्र कुमार। आर्यों का आदिदेश के लेखक हैं डॉक्टर संपूर्णानंद। ठीक है, आर्यों का आदिदेश, आर्यों का आदिदेश के लेखक हैं डॉक्टर संपूर्णानंद। ठीक, घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता कौन है? घुमक्कड़ शास्त्र, घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता हैं राहुल सांस्कृतायन, राहुल सांस्कृत्यायन, डॉक्टर नगेंद्र विद्याप्रसाद मिश्र, वृंदावन लाल वर्मा नहीं, सबसे पहले घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता थे राहुल सांस्कृतायन। ठीक है, राहुल सांस्कृतायन। ठीक, भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा के रचयिता कौन है? भारत दुर्दशा के रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। देखिएगा, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र और चंद्रधर शर्मा बुलेरी। तो इसमें भारत दुर्दशा के रचयिता कौन है? भारतेंदु, भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक, कलम का सिपाही, कलम का सिपाही जो है क्या है, किस किस गद्य विधा के अंतर्गत आता है कलम का सिपाही? देखिए, लिखा है कहानी, उपन्यास, जीवनी और रेखाचित्र। तो कलम का सिपाही क्या है? एक जीवनी है। कलम का सिपाही क्या है? एक जीवनी है। ठीक है, और कलम का सिपाही किसका लिखा हुआ है? अमृत राय। कलम का सिपाही अमृत राय। ठीक, कवि वचन सुधा के संपादक थे, कवि वचन सुधा के संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। कवि वचन सुधा मतलब जो पत्रिका है, कवि वचन सुधा क्या है? पत्रिका है। तो कवि वचन सुधा के संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक, हिंदी गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं। गद्य साहित्य का सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? तो लिखा है रामचंद्र शुक्ल से, भारतेंदु हरिश्चंद्र से, लल्लू लाल से या मुंशी इंशाला खां से। तो लिखेंगे हिंदी साहित्य के जनक माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या माने जाते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास भाग्यवती, कंकाल, परीक्षा गुरु या पुनर्वा। तो लिखेंगे हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु। ठीक है, अच्छा भाई, अज्ञेय का पूरा नाम क्या था? अज्ञेय का पूरा नाम क्या था? हीरानंद, सच्चिदानंद, भाष्यायन, अज्ञेय। तो इसमें लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय रियोत, सच्चिदानंद, हीरानंद, भाष्यायन, अज्ञेय, भाष्यायन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिलीशर गुप्त। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध होते हैं, ठीक है ना। और इसमें आएगा सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अगे का पूरा नाम है सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, और अगे आगे आ जाता है, अगे लिखा होता है। ठीक है, अब लिखा है मुंशी प्रेमचंद्र जी का जन्म काल है, मतलब मुंशी प्रेमचंद्र जी का जन्म कब हुआ था? तो मुंशी प्रेमचंद्र जी का जन्म हुआ है 1870 में, 1880 में, 1875 में और 1879 में, 79 मतलब 1879 में। तो प्रेमचंद्र जी का जन्म हुआ था 1880 ईस्वी में। ठीक है, प्रेमचंद्र जी का जन्म हुआ था सन 1880 ईस्वी में। ठीक है, अब देखिएगा, देखिए इतने सारे क्वेश्चन हैं, हम आपको अभी एक बार फिर से रिपीट करा देंगे। तो देखिएगा, हिंदी गद्य और पद विधाओं के समान रूप से विद्वान हैं, मतलब गद्य में भी लिखते हैं और पद में भी लिखते हैं, तो ये समान रूप से विद्वान, दोनों का मतलब बराबर है। तो मैथिलीशर गुप्त जी, जयशंकर प्रसाद जी, विष्णु प्रभाकर और वासुदेव शरदा प्रभात। तो मैथिलीशर गुप्त ने क्या लिखा है? मैथिलीशर गुप्त कविता लिखते हैं, कविता। ठीक है, और विष्णु प्रभाकर वो भी वासुदेव शरदा अग्रवाल गद्य के हैं, तो लिखते हैं मतलब गद्य में और पद में। किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है।
जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है, जैसे श्रद्धा मणि लिखा हुआ है ना, और इधर गद्य में क्या लिखा है, जैसे वो लिखा है गिल्लू लिखा हुआ है ना, ममता लिखी है कहानी जयशंकर प्रसाद जी की। तो जो जयशंकर प्रसाद जी हैं वो गद्य और पद, जयशंकर प्रसाद जी गद्य और पद दोनों ही विधाओं के समान रूप से विद्वान हैं, ठीक है। अब देखिए लिखा है सच्ची वीरता, सच्ची वीरता नामक निबंध के लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, राय कृष्णदास, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर और सरदार पूर सिंह। तो सच्ची वीरता नामक निबंध के लेखक हैं सरदार पूर सिंह, सच्ची वीरता निबंध के लेखक हैं सरदार पूर सिंह, ठीक। देखिए तो निम्न में से कौन व्यंग निबंध व्यंग का अच्छा उदाहरण है, व्यंग का, गेहूं बनाम गुलाब, निंदारस, आखिरी चट्टान और अशोक के फूल, क्या कौन सा व्यंग का सुंदर उदाहरण है बताइए। तो लिखा है निंदारस, निंदारस, ठीक है। निंदारस जो है व्यंग का सुंदर उदाहरण है, आपस में दो व्यक्तियों को निंदा करते हुए देखा जाता है ना, वो उसकी निंदा करता है, वो उसकी निंदा करता है, जब वो तीसरे के पास में बैठता है तो वो दोनों की निंदा करता है, तो कहते हैं ये व्यंग का बहुत ही सुंदर उदाहरण है, क्या, निंदारस, ठीक। हरिशंकर, हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है, आलोक पर, पगडंडियों का जमाना, त्रिशंकु और परवेश। तो हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है, कौन सा निबंध संग्रह है, पगडंडियों का, पगडंडियों का जमाना, क्या, पगडंडियों का जमाना, ठीक। आचार्य हजारी प्रसाद दुबे, आचार्य महावीर प्रसाद जी का जन्म समय है, मतलब जन्म काल है, मतलब उनका जन्म कब हुआ था, 1846 ईस्वी में, 1846 में, 1857 में, 57 में और 1875 में, मतलब 75 में और 1864 में। तो कहते हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म समय, जन्म काल है 1864 ईस्वी, कब है, 1864 ईस्वी, ठीक। हंस पत्रिका के संपादक थे, हंस पत्रिका के संपादक कौन थे, अशोक शरण अग्रवाल, सरदारपुर सिंह, प्रेमचंद या कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। तो लिखेंगे हंस पत्रिका के संपादक थे मुंशी प्रेमचंद, हंस पत्रिका के संपादक थे मुंशी प्रेमचंद, ठीक। देखिए पथ के साथी, पथ के साथी के रचयिता हैं कौन है, महादेवी वर्मा, अभी पढ़ाया था हमें पथ के साथी की रचना विधा पढ़ाया ना, पथ के साथी की रचना विधा है संस्मरण, और पथ के साथी की रचना विधा है मतलब रचना के लेखक के रचयिता कौन है, मतलब उनके लेखक का नाम क्या है, लेखिका का नाम क्या है, लिखेंगे महादेवी वर्मा, क्या लिखेंगे, महादेवी वर्मा। पंचलाइट, पंचलाइट की रचना विधा है, पंचलाइट क्या है, एक कहानी है ना, तो लिखते हैं पंचलाइट की रचना विधा है एक कहानी, ठीक, पंचलाइट की रचना विधा है एक कहानी। हरियोद का पूरा नाम क्या है, हरियोद का पूरा नाम क्या है, मैथिली षडगुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, भारतेंदु हरिश्चंद, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह। तो हरियोद का पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय, आगे हरियोद, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद, ठीक। अब इसके बाद में देखिएगा सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, सरस्वती पत्रिका के संपादक थे आचार्य महावीर प्रसाद जी द्विवेदी, के संपादक थे आचार्य महावीर प्रसाद जी द्विवेदी, ठीक। नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी, नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी किसने की थी, किसने की थी, देखिए लिखा है रामचंद्र शुक्ल ने, श्याम सुंदर दास ने, बाल मुकुंद गुप्त ने और मिश्रवर्धु ने। तो नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी श्याम सुंदर दास ने, नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी श्याम सुंदर दास ने, ठीक।
निर्मला उपन्यास के रचयिता हैं, निर्मला उपन्यास के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, भगवती चरण वर्मा, प्रेमचंद यागे। तो निर्मला उपन्यास के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। कौन है? मुंशी प्रेमचंद। निर्मला उपन्यास के रचयिता हैं मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, निम्न में कौन सी रचना निबंध है? गेहूं बनाम गुलाब, मर्यादा, कलम का सिपाही और मैला आंचल। मैला आंचल क्या है? उपन्यास है। कलम का सिपाही जीवनी है। कलम का सिपाही, मर्यादा पत्रिका है और गेहूं बनाम गुलाब निबंध है। तो कौन निम्न में से कौन सी रचना निबंध है? तो लिख देंगे गेहूं बनाम गुलाब, गेहूं बनाम गुलाब। ठीक। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है सेवा सदन, निर्मला, पुनर्नवा, भूले भूले बिस्वे चित्र। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास क्या है? पुनर्नवा। क्या है? पुनर्नवा। सेवा सदन और निर्मला तो प्रेमचंद जी के हैं, भूले बिस्वे चित्र जो है रामधारी सिंह दिनकर के हैं। ठीक है, और रह जाता है पुनर्नवा। पुनर्नवा जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है। ठीक। अपनी खबर, अपनी खबर आत्मकथा के लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा, यशपाल, हरवंश राय बच्चन, पांडे वेचन शर्मा उग्र। कौन से हैं? पांडे वेचन शर्मा उग्र। ठीक। कलम का सिपाही जीवनी के लेखक हैं कौन है? अमृत राय। कलम का सिपाही, कलम का सिपाही क्या है? एक जीवनी है और इस जीवनी के लेखक कौन है? अमृत राय लेखक। ठीक। मेरी असफलताएं रचना है गुलाब राय की, वियोगी हर की, अमृत राय की और राय कृष्णदास की। तो लिखते हैं मेरी असफलताएं रचना है बाबू गुलाब राय की। मेरी असफलताएं रचना है बाबू गुलाब राय की। देखिए लिखा है केदारनाथ पांडे किस लेखक का वास्तविक नाम है? तो लिखेंगे केदारनाथ पांडे नाम है राहुल संस्कृतायन का। और कब? राहुल संस्कृतायन तो नाम उनका बाद में पड़ा, पहले उनका नाम था केदारनाथ पांडे। जब उन्होंने मतलब बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, तो उनका नाम पड़ गया था राहुल, मतलब राहुल संस्कृतायन। जब उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया तो नाम पड़ गया राहुल संस्कृतायन। वैसे उनका नाम था केदारनाथ पांडे। क्या नाम था? केदारनाथ पांडे। चिंतामणि के रचनाकार कौन है? चिंतामणि के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा, आचार्य रामकृष्ण और प्रेमचंद। तो लिखेंगे चिंतामणि के रचनाकार हैं आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल। कौन है? आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल। आवारा मसीहा के रचयिता हैं विष्णु प्रभाकर, भैरव प्रसाद गुप्त, अमृत राय और नागार्जुन। तो इसमें से क्या लिखा जाएगा? आवारा मसीहा के रचयिता हैं विष्णु प्रभाकर। तो देखिएगा आप इनको, हम फिर से एक बार आपको रिपीट कर रहे हैं। देखिएगा अब हम आपको सिर्फ नाम बताएंगे। देखिए भाषा योग विशिष्ट के रचनाकार हैं राम प्रसाद निरंजनी। ठीक। अष्टयाम के रचयिता हैं नाभादास। क्या? अष्टयाम के रचयिता हैं नाभादास। रिकोतार्थ लिखने का प्रचलन किस युग में हुआ? लिखेंगे छायावादोत्तर युग में। किस युग में हुआ? छायावादोत्तर युग में। देखें छायावादी युग के लेखक नहीं है। छायावादी युग के लेखक कौन है? भगवती चरण वर्मा। छायावादी युग के लेखक नहीं है भगवती चरण वर्मा। ठीक। अशोक का फूल निबंध है कौन सा? कैसा निबंध है? अशोक का फूल निबंध है कैसा है? ललित निबंध है। अशोक का फूल निबंध है ललित निबंध। ठीक। प्रेम सागर के रचयिता हैं लल्लूलाल। आर्यों का आदेश के लेखक हैं डॉक्टर संपूर्णानंद। आर्यों का आदेश। ठीक है। घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता कौन है? घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता हैं राहुल
संस्कृतायन। राहु संस्कृतायन का वास्तविक नाम क्या था? केदारनाथ पांडे। राहु संस्कृतायन उनका नाम कब पड़ा? जबकि उन्होंने जब उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया, जब उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। ठीक। कलम का सिपाही की रचना विधा कौन सी है? कलम का सिपाही एक है जीवनी, और कलम का सिपाही किसने लिखा है? अमृत राय। किसने लिखा है? अमृत राय। कवि वचन सुधा के संपादक थे। पत्रिका है कवि वचन सुधा। क्या है? पत्रिका। तो कवि वचन सुधा के संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। ठीक। हिंदी गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी माने जाते हैं। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु। ठीक। अज्ञेय का पूरा नाम क्या था? सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है। अच्छा, मुंशी प्रेमचंद्र जी का जन्म काल है सन 1880 ईस्वी। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म कब हुआ था? सन 1880 ईस्वी में हुआ था। ठीक। सन 1880 ईस्वी में प्रेमचंद्र जी का जन्म हुआ था। सच्ची वीरता नामक निबंध के लेखक हैं कौन? सच्ची वीरता नामक निबंध के लेखक हैं सरदारपुर सिंह। ठीक है। सरदारपुर सच्ची वीरता निबंध लिखा था। सच्ची वीरता क्या है? एक विधा है और निबंध है, निबंध विधा है। और जब निबंध विधा है तो इसके रचनाकार हैं सरदारपुर सिंह। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध व्यंग का अच्छा उदाहरण है? गेहूं बनाम गुलाब, निंदा रस, आखिरी चट्टान, अशोक के फूल। क्या लिखेंगे हम लोग? निंदा रस। ठीक। हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है कौन सा है? पगडंडियों का जमाना। ठीक। हंस पत्रिका के संपादक थे मुंशी प्रेमचंद। पथ के साथी की रचयिता हैं महादेवी वर्मा। पथ के साथी कौन सी रचना विधा है? लिखेंगे संस्मरण। कौन सी है? संस्मरण। पंचलाइट क्या है? पंचलाइट है ये कहानी। ठीक है। जैसे निबंध है, कहानी है, आत्मकथा है, संस्मरण है, क्या है? पंचलाइट ये कहानी है। ठीक है। वैद्य की हिंसा नाम भवती के रचयिता है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक। हरिओत का पूरा नाम क्या था? हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय का पूरा नाम था हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय, और हरिओत का पूरा नाम था अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत। ठीक। सरस्वती पत्रिका के संपादक थे महावीर प्रसाद जी द्विवेदी। ठीक। इसके बाद में देखिएगा आवारा मसीहा क्या है? एक जीवनी है। नागरी प्रचारी सभा की स्थापना किसने की थी? बाबू श्याम सुंदर दास ने। नागरी प्रचारी सभा की स्थापना की थी बाबू श्याम सुंदर दास ने की थी। ठीक। निर्मला उपन्यास के रचयिता हैं प्रेमचंद। ठीक। निर्मला उपन्यास के रचयिता हैं प्रेमचंद। ठीक। और उसके बाद में आता है देखिएगा कलम का सिपाही जीवनी के लेखक हैं अमृत राय। कलम का सिपाही क्या है? कौन सी रचना विधा है? जीवनी है। और इस जीवनी विधा के रचनाकार कौन है? जीवनी के लेखक कौन है? अमृत राय। ठीक है। अपनी खबर आत्मकथा के लेखक हैं पांडे वेचन शर्मा उदय। और अपनी खबर क्या है? अपनी खबर कौन सी विधा है? आत्मकथा है, और इसके लेखक हैं पांडे वेचन शर्मा उदय। ठीक। कलम का सिपाही जीवनी के लेखक हैं अमृत राय। ठीक। इसके बाद में आता है मेरी असफलताएं रचना है बाबू गुलाब राय। ठीक।
केदारनाथ पांडे किस लेखक का वास्तविक नाम था? राहुल सांस्कृतायन का। किस लेखक का वास्तविक नाम था? राहुल सांस्कृतायन का। ठीक। काशी नगरी प्रचारी सभा के संस्थापक थे कौन? बाबू श्याम सुंदर दास। ठीक। मेरी असफलताएं रचना विधा है आत्मकथा। ठीक है। मेरी कॉलेज डायरी के लेखक हैं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। मेरी कॉलेज डायरी के लेखक हैं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। ठीक हो गया। अब इसके बाद में देखिएगा, इसके बाद में आता है चिंतामणि। चिंतामणि किस लेखक की रचना है? चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है चिंतामणि। ठीक है। आवारा मसीहा के रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर। डॉक्टर हरवंश राय बच्चन की रचना है क्या भूलू का याद करूं, ठलुआ क्लब, मेरी असफलताएं और पद के साथी। देखिए, ठलुआ क्लब है गुलाब राय, मेरी असफलताएं पद के साथी कोई नहीं है, आएगा क्या भूलूं क्या याद करूं डॉक्टर हरवंश राय बच्चन।